ना। सो अगला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा वो किसके ऊपर होगा बच्चों? नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा दैट वुड बी ऑन राइट ऑफ रिमाइंडर। सो व्हाट इज दिस राइट? राइट ऑफ रिमाइंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत अच्छा खासा कंसेप्ट है, राइट ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ, सॉरी नॉट बचा हुआ, बचा हुआ। सो रिमाइंडर मीन्स व्हाट बेटा? व्हाट बेटा? बचा हुआ। ना लिसन, तो रिमाइंडर में क्या होगा बच्चों? अपन लोगों ने अभी तक कितना सुना है रिमाइंडर के बारे में, मतलब अभी बचपन से लेके अभी तक रिमाइंडर, अगर आपको याद हो 2 को डिवाइड करते थे 7 से, ये 6 आता था, तो 1 क्या होता था? रिमाइंडर। ऐसे ही होता था क्या? तो बेसिकली जो आखिरी में बच जाता है, जो आखिरी में क्या होता है? बच जाता है, उसका अपन क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। नाउ प्लीज हियर, प्लीज हियर, पॉइंट लगा देते, उतना मेरे को आता नहीं तो इंजीनियर बनता मैं। इधर ना बच्चों ध्यान से देखेंगे। सो अब हुआ यूं कि जो बंदा प्रॉपर्टी में ओनर होता है, जो बंदा प्रॉपर्टी का मालिक होता है, वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी में दो तरह के इंटरेस्ट, दो तरह के राइट्स क्रिएट कर सकता है। कौन बच्चों? द वन हु इज एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूं तो मैं उस प्रॉपर्टी में दो तरह के राइट्स क्रिएट कर सकता हूं। पहला होता है एब्सोल्यूट राइट, या फिर आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। मतलब मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको क्या कर दूं? सेल कर दूं। तो मैंने आपको क्या कर दिया? मैंने नहीं नहीं मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको सेल कर दी, तो मैंने आपको कौन सा इंटरेस्ट दे दिया? जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मेरे पास था वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मैंने आपको दे दिया। हाँ या ना? दूसरा जो राइट होता है मैं आपके फेवर में जो क्रिएट कर सकता हूं उसको बोलते हैं लिमिटेड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट बच्चों? तो दो इंटरेस्ट मैं अपनी प्रॉपर्टी में क्रिएट कर सकता हूं, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और लिमिटेड इंटरेस्ट। नाउ लिमिटेड इंटरेस्ट इज व्हाट? जीवन भर के लिए या फिर हमेशा के लिए या फिर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए? सो लिमिटेड इंटरेस्ट यू क्रिएट इन अ प्रॉपर्टी फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यहां तक क्लियर है? तो दो चीजें मैंने आपको कही कि भाई प्रॉपर्टी में आप दो इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। पहला एब्सोल्यूट जो हमेशा के लिए होता है, मैं आपको प्रॉपर्टी की ओनरशिप दे दूं, और दूसरा क्या होता है? लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या मैं दोनों इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूं, लिमिटेड एज वेल एज एब्सोल्यूट? ध्यान से देखो अब बच्चों, ऐसा कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। दुष्यंत जैन इज ओनर ऑफ दिस 2 BHK फ्लैट, BBHK। इज दैट क्लियर बच्चों? मैं इस फ्लैट का मालिक हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये फ्लैट मैं दे रहा हूं रोहन को। किसको? लेकिन रोहन को मैं कब तक के दे रहा हूं ये फ्लैट? लाइफ के लिए। मतलब ये फ्लैट रोहन के पास रहेगा, रोहन इस फ्लैट में रह सकता है। कब तक? टिल द टाइम ही इज लाइव, जब तक वो जीवित है। रोहन की मौत के बाद, रोहन के मरने के बाद, बाबा जिस दिन रोहन मर गया उस दिन ये फ्लैट मिल जाएगा अंकित को। अगेन अंकित को कब तक मिलेगा? लाइफ तक। रोहन की डेथ के बाद अंकित विल गेट द फ्लैट एंड ही विल गेट द फ्लैट फॉर हिज लाइफ, टिल द टाइम ही इज अलाइव वो फ्लैट को पूरी तरीके से एंजॉय करेगा। आफ्टर डेथ ऑफ अंकित फ्लैट विल बी रिसीव्ड बाय जय।
अगेन जय को भी कब तक मिलेगा? लाइफ के लिए. सो लाइफ लाइफ लाइफ, इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ जय, जय के मरने के बाद प्रॉपर्टी मिलेगी सम्यक को. और सम्यक को कैसे मिलेगी? लिसन लिसन लिसन, सम्यक को कैसे मिलेगी बच्चों? एब्सोल्यूटली कंप्लीटली. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. इस केस में हु इज गेटिंग, बच्चों इस केस में हु इज गेटिंग लिमिटेड इंटरेस्ट? लिमिटेड इंटरेस्ट किसको मिल रहा है और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? आप बताएंगे बच्चों. सॉरी, क्या नहीं, इसे सम्यक है उसको कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है, लिमिटेड है? तो सम्यक को प्रॉपर्टी कब तक के लिए मिल रही है? सम्यक को प्रॉपर्टी मिल रही है एब्सोल्यूटली. यस और नो बच्चों? और रोहन, अंकित और जय भाई, इन तीनों को प्रॉपर्टी कब तक के लिए मिल रही है? इन तीनों को प्रॉपर्टी मिल रही है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक. यस और नो? यस और नो बच्चों? सो मैंने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, अच्छा और ये सब फ्यूचर में हो रहा है या ये सब ट्रांसफर मैं आज ही कर रहा हूं? आज कर रहा हूं मैं, मतलब एट प्रेजेंट टाइम कर रहा हूं. मैंने आज ही लिख दिया कि प्रॉपर्टी पहले रोहन को जाएगी, फिर अंकित को जाएगी, फिर रोहन को, अंकित को और जय को, और उसके बाद कंप्लीटली किसको जाएगी? सम्यक को जाएगी. ये दुष्यंत जैन ने आज ही बता दिया. सो इन तीनों के फेवर में क्रिएट हुआ लिमिटेड इंटरेस्ट जो कब तक वैलिड है? लाइफ टाइम के लिए. और भाई सम्यक के फेवर में क्या क्रिएट हुआ? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब बचा हुआ पूरा माल किसको मिल रहा है? सम्यक को मिल रहा है बचा हुआ आखिरी में, सबके यूज करने के बाद. पर पूरी तरीके से पूरा अधिकार किसको मिल रहा है? कंप्लीट प्रॉपर्टी किसको मिल रही है? ओनरशिप किसको मिल रही है? तो मुझे आप लोग ये बताएंगे कि भाई हु इज गेटिंग रिमाइंडर आइटम, बचा हुआ माल किसको मिल रहा है? सम्यक को मिल रहा है. तो सम्यक के पास एक राइट है, सम्यक के पास एक राइट है. कौन सा राइट है? बचा हुआ प्रॉपर्टी लेने का, बचा हुआ राय या सबके यूज करने के बाद उस प्रॉपर्टी को कंप्लीटली अक्वायर करने का. यस और नो? तो कैन आई से सम्यक को कौन सा राइट मिलता है? व्हाट सम्यक इज गेटिंग? सम्यक को मिल रहा है राइट ऑफ रिमाइंडर. इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस और नो? यस, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं. वो मार के खुद लेगा तो फिर वो इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल होगा. ये नेचुरली हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों की. और इसमें हमेशा याद रखना, जब तक एक का राइट खत्म नहीं होता दूसरे का राइट शुरू नहीं होगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो सम्यक के पास जो राइट है वो प्रेजेंट राइट है बट फ्यूचर पोजेशन है. सम्यक को राइट मैंने आज दिया बट उसको पोजेशन कब मिलेगा? फ्यूचर में. इज दैट क्लियर? और आप लोगों का जो राइट है वो प्रेजेंट राइट है प्रेजेंट पोजेशन का. इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? एक कशिश कुमारी करके लड़की थी, वो पहले रोहन की फ्रेंड बनी 6 महीने के लिए, फिर अंकित की फ्रेंड बनी 6 महीने के लिए, और फिर जय की फ्रेंड बनी, एंड आखिरी में उसकी परमानेंटली शादी हो गई सम्यक से. सो सम्यक का राइट क्या है? राइट ऑफ रिमाइंडर. इज दैट क्लियर? आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, राइट ऑफ रिमाइंडर. चलिए बच्चों.